Hello, dear students. How are you all? This is your English class, and we are doing our chapter, the pronoun. Some part of this chapter we have already discussed. कुछ part जो है हम इसका पढ़ चुके हैं. Remaining part of this chapter we are doing today. So let's start today's class. Demonstrative pronoun. आज हमारी क्लास शुरू हो रही है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन से, और कल हम कर चुके हैं भाई पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कितने केसेस होते हैं भाई, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस. कल हमने पढ़ा था भाई नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं. पजेसिव केस का क्या यूज़ है कि भाई वो रिलेशनशिप बताते हैं. ऑब्जेक्टिव केस एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं. देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है उसके साथ सेल्फ लग के मिलेगा आपको. ऑब्जेक्टिव केस प्लस सेल्फ, ये देखो मैंने अंडरलाइन भी किया है. दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव केस प्लस सेल्फ. तो भाई जो ऑब्जेक्टिव केस प्लस सेल्फ अगर आपको एज अ ऑब्जेक्ट मिलता है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि वो हमारे सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. जैसे ही, यू, वी, द पुअर वुमेन, ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और जो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमारे सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. इसके बाद भाई हमने कहा था कि भाई एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट ने काम किया ना उसको प्रेशराइज करके बताता है कि ये हमारे इस सब्जेक्ट ने खुद किया है. ठीक है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस प्लस सेल्फ कहाँ मिलेगा, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट. अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस प्लस सेल्फ लगता हुआ मिलता है तो आप उसको कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. पर डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमो क्या होता है भाई, दिखाना. ठीक है, और डेमोंस्ट्रेट करना भाई किसी चीज़ की ओर इशारा करना, संकेत करना. इस डेफिनेशन में आप पढ़ भी सकते हैं, जो शब्द सेंटेंस में किसी नाउन की तरफ संकेत करे तो वह डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है भाई. और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे ये चार, दिस, दैट, दीज एंड दोज. ठीक है, ये है हमारे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. दिस इज माय पेन, दैट इज माय बैग, दीज आर माय टॉयज, दोज आर योर बुक्स. ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज. अब भाई दिस क्या है का यूज़ करेंगे भाई, नियर, जो हमारे बिल्कुल पास है, सिंगुलर है, एक वचन है, उसके लिए दिस का यूज़ करेंगे. और जो फार, दूर है हमारे से, और भाई सॉरी यहाँ भी सिंगुलर आएगा भाई, सिंगुलर. ठीक है, एंड यहाँ पर आएगा प्लूरल. दिस एंड दैट फॉर सिंगुलर, दिस फॉर नियर. दिस का यूज़ करेंगे जो ऑब्जेक्ट हमारे बिल्कुल पास हैं, दैट का यूज़ करेंगे जो दूर है लेकिन सिंगुलर है, और दीज क्या है, दिस का प्लूरल हो गया भाई दीज. तो दीज भी किसके लिए, नियर के लिए, लेकिन प्लूरल हो, वो बहुवचन हो. दोज क्या है, फार, दूर के लिए, और ऑब्जेक्ट कैसे हो, प्लूरल हो. ये होगा भाई हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ क्या होता है, टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए. जो शब्द सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का कार्य करे वो क्या हो गया भाई, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है भाई. हु इज़ योर टीचर, भाई जो हमारी WH फैमिली होती है, WH फैमिली होती है एक, वो सारी क्या होती है, इंटरोगेशन के लिए काम आती है. व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ,
विच, ये सभी क्या हैं WH फैमिली में. हु इज़ योर टीचर, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. वट इज़ योर नेम, वाई हैव यू ब्रोकन द स्लेट, हाउ डिड यू विन द मैच. इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या किया गया है भाई, क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये हु, वट, वाई, हाउ, ये क्या है, यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. याद रखेंगे WH फैमिली क्या होती है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इनडेफिनेटिव, इनडेफिनिट प्रोनाउन. भाई इनडेफिनिट का मतलब क्या हो गया, नॉट इन प्रॉपर नंबर, नॉट इन प्रॉपर नंबर. भाई उनकी ना संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती कि भाई कोई भी जिस चीज़ की, जिस नाउन के बारे में हम बात करें वो संख्या में 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, कितना है ना, वो कैसे मिलेंगे, कुछ, थोड़ा, बहुत, ऐसे. आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं, सम आर बोर्न ग्रेट, कि भाई कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं. सम, कुछ, 1, 2, 10, 15 ऐसा नहीं बताया गया है. सम, ऑल, यहाँ पे सभी, ऑल वर क्वाइट हैप्पी. एनी वन, कोई, एनी वन कैन टेक द पेन. समबडी हैज स्टोलन हिज बुक. तो ये यहाँ पे क्या है भाई, ये किसी प्रॉपर संख्या के बारे में नहीं बता रहे, डेफिनेट नंबर के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गए भाई. ये क्या हो गए, इनडेफिनेट प्रोनाउन. नेक्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. पर डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जो शब्द सेंटेंस में एक या एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का जिक्र करने के लिए यूज़ किया जाए उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. भाई इसका क्या है, नीदर ऑफ यू कैन कम, भाई तुम में से कोई भी नहीं. भाई जैसे इसने बताया ना कि एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बताता है, तो जो नीदर ऑफ यू, कि भाई जितने भी तुम हो ना उनमें से कोई भी नहीं आ सकता. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ईदर ऑफ देम हैज स्टोलन हिज रेडियो. भाई जितने तुम हो ना, तुम्हारे में से ही किसी ने उसका रेडियो चोरी किया है. भाई नीदर क्या है, नेगेटिव सेंस देगा, ईदर क्या है, पॉजिटिव सेंस देगा. नन कैन डू इट, कोई भी नहीं कर सकता. भाई चाहे वो 2 बंदे हैं, चाहे 15 बंदे हैं, उन सभी की है कि भाई उनमें से कोई भी नहीं कर सकता. ईच ऑफ द बॉयज़ इन्जॉयड द पार्टी, कि भाई पार्टी में चाहे 5 बच्चे लड़के थे, चाहे 50 थे, सभी ने क्या किया, पार्टी को इन्जॉय किया. ठीक है, तो जो एग्जाम्पल्स आपको दिए, नीदर, ईदर, नन, ईच, ये क्या है भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन. क्या होते हैं भाई, जो शब्द रिलेशन बताते हैं भाई किसके साथ, सेंटेंस में अपने पूर्ववर्ती नाउन, नाउन के साथ जो पहले आया हुआ है उससे रिलेशन बताते हैं. दिस इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड. भाई कौन सा लड़का, ये लड़का क्या है, मेरा फ्रेंड हो गया. भाई इस लड़के का और मेरा एक रिलेशन हो गया. दैट इज़ द हाउस वेयर आई लीव, कि भाई ये वो घर है जहाँ पर मैं रहता हूँ. तो घर का और मेरा क्या हो गया, रिलेशन हो गया. दोज हुम द गॉड्स लव डाई यंग, कि भाई जो यंग एज में कौन, किसकी डेथ होती है, जिनसे भगवान भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. तो भाई गॉड का और जो यंग डाइड पर्सन है उसका रिलेशन हो गया. द बॉय हु वर्क्स हार्ड मस्ट पास, भाई कौन, भाई हार्डवर्क का और सक्सेस के साथ का रिलेशन हो गया. भाई वो लड़का पास होगा जो हार्डवर्क करेगा. तो जो ये हमारे सेंटेंस हैं हु, वेयर, हुम और हु, ये क्या है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन है. एक वर्ड और भी आता है भाई रिलेटिव प्रोनाउन में, दैट ऑल्सो यू कैन इंक्लूड, दैट भी लिख लेना. ठीक है, तो ये भाई ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, तक हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है.
भाई इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, कल इसकी प्रैक्टिस वर्क दिया जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर है, थैंक यू।